हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट किचन राजस्थानी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं वेज फ्राइड राइस। उसके लिए हमने एक बाउल उबले हुए चावल लिए हैं, ये लंबे वाले चावल है, इससे अच्छा बनता है ये। एक कटोरी हरे मटर लिए हैं, टमाटर लिए हैं काटकर, हरा धनिया लिया है, प्याज, गाजर, लहसुन, अदरक और शिमला मिर्च को लिया है। सबसे पहले भगोनी में एक बड़ा चम्मच तेल डालते हैं और गर्म करने के लिए रखते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें एक चम्मच जीरा डालते हैं, इसमें प्याज डालते हैं और लहसुन और अदरक काटा हुआ था उसको डाल देते हैं। मटर डालते हैं, गाजर को भी डाल देते हैं। हम इसमें नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार, सब्जियां जल्दी से गल जाती है नमक डालने से। और इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, कम आंच करते हैं। सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो चुकी है, अब इसको चेक करते हैं। हल्की फ्राई हो चुकी है, अब इसमें टमाटर डालेंगे। फिर से ढक देंगे। सब्जियों को पकते हुए 2 मिनट हो चुकी है, अब इसको फिर से चेक करते हैं। सब्जियां सब गल चुकी है, अब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। एक चम्मच धनिया पाउडर, ये फ्राइड राइस खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एवरेस्ट का गरम मसाला 1 चम्मच, जो चावल थे गए उसको मिक्स करते हैं। ये वेजिटेबल राइस आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई करें, रेस्टोरेंट के बाहर खाना भूल जाएंगे, इतने टेस्टी होते हैं। अब इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे जो हमने निकाला हुआ है पहले से, और 2 मिनट के लिए ढक देंगे कम आंच करके। चावल को पकते हुए 2 मिनट हो चुकी है, अब इसको फिर से चेक करते हैं। ये बिल्कुल सही तैयार हो चुके हैं, अब इसमें ऊपर से हरा धनिया डालते हैं। सर्विंग बाउल में निकालते हैं। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करें, और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।